ओडिशा के गांव गांव गली गली घर घर से एक ही आवाज आ रही है, ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। मैं ओडिशा में जो गरीबी देखता हूं मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला, एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं उसकी वजह क्यों है, क्या वजह है, इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। भाइयों और बहनों, उड़ीसा की बीजेडी सरकार ने यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। बीजेडी के राज में न तो उड़ीसा की संपदा सुरक्षित है और न ही उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है, जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है। लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। और आपको मालूम है ना, मैंने पहले से बताया है, शपथ ग्रहण की तारीख बताई है, पता है ना कौन सी तारीख। मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं, 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये सरकार का जाना तय है।